किरीट सोमय्या बोलता है, जाऊया थेट। मनसुख हिरण की हत्या करवाते जो ये माफिया राज को सबक सिखाने के लिए मेधा किरीट सोमय्या ने 100 करोड़ की महारानी की डिफेमेशन केस दाखिल किया है। जून महीने में सुनवाई होगी, मुझे विश्वास है माफी भी मांगनी पड़ेगी। 100 करोड़ रुपए का हमें कोई लेना देना नहीं, न्यायालय को जो उचित रखे लगे वो फाइनेंशियल पेनल्टी भरने के लिए कहे, वो धर्मदाय संस्था को दी जानी चाहिए। 100 करोड़ का शौचालय घोटाला अब उद्धव ठाकरे को पता चलेगा कि बड़े बड़े आंकड़े फेंकने से, दहशत फैलने से मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ता है। सर मुख्यमंत्री क्या जो आपने मानहानी का दावा किया है, हमने स्पष्ट कहा है कि ये मुख्यमंत्री माफिया गैंग दहशत फैलाती है महिला के ऊपर, प्राध्यापिका मेधा ये इतने साल से पढ़ाती है दहशत फैलाने के लिए। कोई आरोप में तथ्य नहीं, दम नहीं सरकार उनके पास। उद्धव ठाकरे तो इतने झूठे और माफिया चीफ मिनिस्टर है, उनके पास अहवाल है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में आदित्य ठाकरे और संजय राउत बोलते हैं सीआरजेड का वायोलेशन किया UOW, तो जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए न्यायालय इनको बराबर सबक सिखाएंगे। ओके, राउतांविरोधात राणा दाम्पत्याची हायकोर्टात धाव आहे। संजय राउतांवर 100 कोटींचा मानहानीचा दावा सुद्धा करण्यात आलेला आहे।